नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मिशन 2024 के लिए पार्टियों ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव को देखते हुए अपनी चाल और अंदाज ही नहीं बल्कि अपने मोहरे और दांव भी बदल दिए हैं। अखिलेश यादव की क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए देखते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। अखिलेश का मिशन 2024 के लिए अखिलेश की नई रणनीति, अखिलेश का लोकसभा चुनाव पर फोकस, अखिलेश ने बदले मोहरे और दांव, अन्य जातियों को रिझाने की कोशिश। 2024 का लोकसभा चुनाव जिस पर सभी दलों का पूरा पूरा फोकस है, वहीं चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। अखिलेश यादव अब मुस्लिम और यादव वोट के साथ ही अगले दो साल तक युवाओं और अन्य जाति वर्गों के वोटों को साधने की कोशिश करेंगे और इसके लिए उन्होंने मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। अखिलेश यादव का लोकसभा चुनाव पर पूरा फोकस है। अखिलेश अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चुनाव उनके लिए कितना अहम है, क्योंकि 2012 से लगातार सपा को हार का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों और यादवों की पार्टी होने का आरोप लगता आया है। इसके कारण सपा के हिस्से में अन्य जातियों का वोट कम ही आ पाता है, जबकि उच्च जातियों का वोट सपा के पाले से अधिकतर दूर रहता है। लिहाजा अखिलेश यादव अब इस मिथक को तोड़ना चाहते हैं। पिछले दिनों ही अखिलेश यादव ने पूजा करते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर की थी, जिसके बाद वह निशाने पर आ गए थे। यही नहीं, अखिलेश यादव ने मंदिर जाना शुरू कर दिया है और हिंदुओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल के साथ घर पर रुद्राभिषेक भी किया था, जबकि इससे पहले अखिलेश यादव ने पूजा की तस्वीरों को शेयर नहीं किया था, लिहाजा इसके मायने समझे जा सकते हैं। आम तौर पर सपा की ताकत युवाओं को माना जाता है, लेकिन राज्य में पिछले 5 साल युवाओं का झुकाव बीजेपी की तरफ हुआ है और इसके कारण सपा को नुकसान हुआ है। लिहाजा अखिलेश यादव ने नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत वह पार्टी संगठन और टिकट वितरण में युवाओं को प्राथमिकता देंगे। साथ ही अखिलेश यादव लगातार सरकार पर महंगाई, रोजगार, जीएसटी जैसे तमाम मुद्दों पर हमला बोलने से चूक नहीं रहे हैं। खैर, अब तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि अखिलेश यादव का बीजेपी को टक्कर देने का ये मास्टर प्लान कितना सफल होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख